जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं इंद्रा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है? महर्षि, कृपा कर यथाशीघ्र कहिए। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन जो कि महिष्मती नगरी का राजा है के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्वजन के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को
पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात्रि को जागरण करें। तदुपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी की महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।